हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब यहाँ बात करेंगे पंचायत में, वे आ गए। मकसद तो ये है कि मुकदमे भी वापसी हो, सारी चीजें हैं। मुकदमे भी करीब 10,000 मुकदमे लग रहे पूरे देश भर में। यहाँ के मुकदमों की जो बात है, यहाँ के मुकदमे का मकसद खत्म होंगे। जमानत मिली है आपका जो कहेगा उद्देश्य, अगर मुकदमे रद्द नहीं होते हैं तब भी आप यहीं जमे रहेंगे? हो जाएंगे रद्द, क्यों नहीं होने के। रद्द देश में कानून तो एक ही होगा। जब उत्तर प्रदेश के रद्द हो सके मुकदमे तो यहाँ के भी हो जाएंगे। सरकार भी वही है, कानून भी एक है, या अलग देश है हरियाणा। सर, पूरे प्रदेश की नजर टोहाना पर टिकेंगी, क्या धरना समाप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिहाई जो है हो चुकी है? अरे आन तो जान दो, लोग आ जाएंगे तो सलामत भरा करेंगे। तो क्या सरकार की तरफ से ही सब कुछ किया गया है या अपनी तौर पे वकीलों ने? अब पता नहीं भाई, कमेटी ने जो कुछ करा होगा। हम तो यहीं आपके बीच में ही रहे, हम ज्यादा वकील और हाकिमों के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। तो आज जो है थानों का घेराव का दिन भी है। घेराव तो निषाद अभी कमेटी से बात करेंगे, घेराव की अभी जारी कर देंगे आधा घंटे बाद में, कि घेराव अब होंगे या नहीं होंगे। अभी आधा घंटे बाद में पूरी जो कमेटी है उससे बात करके उस पर जारी करेंगे।